नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए बी टेक में, और मैं हूँ ब्रजेंद्र। दोस्तों आज है 27 जनवरी। दोस्तों आज समाचार पत्रों की तरफ से कोई भी न्यूज़ प्रकाशित नहीं हुए हैं, क्योंकि 26 जनवरी को ये लोग अपने ऑफिस में अवकाश रखते हैं। दोस्तों आज वे खबरें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कोई भी आज रिसेंट की न्यूज़ नहीं है जो आज प्रकाशित हुई हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों जो पहली न्यूज़ है वो है यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2013 भर्ती को लेकर। दोस्तों यहाँ पर एक कोर्ट केस चल रहा है संजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य। इसमें दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2013 के पदों को चैलेंज किया गया है। टीजीटी पीजीटी 2013 के जब पद आए थे, भर्ती आई थी, तो उस समय काफ़ी अच्छे पद थे। बाद में पदों को घटा दिया गया और उसमें पद काफ़ी कम कर दिए गए। तो यहाँ पर विषयवार पदों की संख्या दी गई है, आप एक नज़र देख सकते हैं। हिंदी में 909 पद थे, ज्वाइनिंग जो हुई 720 पदों पर हुई, 189 पद घटाए गए। इसी तरीके से विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, संस्कृत, कला, शारीरिक शिक्षा, कुल योग की बात करते हैं तो 5723 पद थे। टीजीटी की बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें से नियुक्तियाँ सिर्फ 4556 में हुई, 1167 पद घटाए गए। तो इसको लेकर के कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट का कहना है कि ये जो पद है ये घटाए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे चयन बोर्ड से जवाब मांगा गया है। चयन बोर्ड क्या जवाब देता है ये आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा। दोस्तों इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी 2016 में भी हो रहा है, दो बार पद घटाए गए, काफ़ी पद घटाए गए हैं। तो अभ्यर्थी अगर इस बारे में सोचें तो जो लो मेरिट में अभ्यर्थी है उनका यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर हो पाएगा। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति यानी NVS की टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती आई थी उसको लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। तो दोस्तों इस विज्ञप्ति में ये बताया गया है कि NVS की जब भर्ती आई थी उस समय काफ़ी अच्छे पद थे, जिसका नोटिफिकेशन आया था 6 से 12 जुलाई 2000 के बीच में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी पद घटा दिए गए हैं और नए सिरे से जो पद अब हैं वो इस प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं फिलहाल कितने कितने पद अब बचे हैं। बाकी ओरिजिनल नोटिस से मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पद यहाँ पर घटाए गए हैं। हालांकि इस विज्ञापन में या कोई विज्ञापन होता है उसमें लिखा होता है कि पद बाद में घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। तो NVS में वर्तमान समय में जो पद बचे हैं वो यहाँ पर पूरा इनका ब्यौरा दिया गया है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 40,000 पदों के लिए जो धरना प्रदर्शन चला उसको लेकर के अपडेट है। कल 10वें दिन भी बालसन चौराहे पर धरना प्रदर्शन जारी रहा और ये उसकी प्रेस विज्ञप्ति देख पा रहे होंगे। रोजगार अधिकार आंदोलन 10वें दिन भी रहा जारी, भर्ती प्रक्रिया शुरू ना होने तक आंदोलन रहेगा जारी। बालसन चौराहे पर मनाया गया बेरोजगार गणतंत्र दिवस और फहराया गया तिरंगा झंडा। दिया गया गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर युवा मंच ने बेरोजगार गणतंत्र दिवस मनाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि चुनाव के दौरान 90 दिनों में प्रदेश के खाली पदों को भरने के वायदे को याद दिलाने तथा प्रदेश भर में हुई भर्तियों को व्याप्त अराजकता व पेपर लीक मामले पर सरकार गंभीर नहीं है और सभी भर्तियों को जानबूझकर लटकाने की साजिश से बेरोजगारों में काफ़ी आक्रोश है। देखा जाए तो सरकार नए आयोग के गठन का प्रोपेगंडा कर खाली पदों को भरने के लिए मुकर रही है, जबकि प्रदेश में लाखों पद खाली हैं। केवल शिक्षा विभाग में ही 40,000 टीजीटी पीजीटी के पदों का अधियाचन आया हुआ है और सरकार टास्क फोर्स लगा करके लीपापोती कर रही है और शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ने में लगी है। इसी प्रकार से उच्च शिक्षा विभाग में भी 3800 पद खाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, और यहाँ पर भी भर्ती नहीं किया जा रहा है। तो ये सब मांगे हैं इनकी कि भर्ती जल्द से जल्द शुरू किया जाए। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब भर्ती इसमें उपेक्षा दिखा रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा धरना प्रदर्शन में लोग नहीं जा रहे हैं। दोस्तों मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप लोग भी इस धरना प्रदर्शन में जाएँ, तभी कुछ सार्थक यहाँ से हल निकल सकता है। ये कुछ तस्वीरें आप कल दे सकते हैं, बालसन चौराहे की तस्वीरें जिसमें झंडा फहराते हुए दिखाया गया और सब अभ्यर्थी नारेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ है 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों अपडेट ये निकल के आ रहा है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भर्ती 6 हफ्ते में शुरू कराई जाए, तो कुछ दिन पहले
आयोग के अध्यक्षों की मीटिंग हुई थी, यहाँ पर भी पूरा यही प्रकरण रखा गया कि भर्ती जल्द से जल्द शुरू कराई जाए। तो इनका कहना है कि मामला कोर्ट में विवादित होने के कारण अभी इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू नहीं कराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ ये निकल के आ रही है यहाँ से कि अब फरवरी के पहले पहले यानी नया आयोग के बनने के पहले पहले 69,000 की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी फरवरी के पहले पहले आपकी जो 69,000 की प्रक्रिया है, कट ऑफ मैटर समाप्त हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा, कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा, इसके बाद प्रक्रिया ये शुरू हो जाएगी। वहीं पर दोस्तों जूनियर शिक्षक भर्ती की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है कि जूनियर शिक्षक भर्ती जो है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाचार्य के पद की कोई भी कार्रवाई अभी तक प्रारंभ नहीं की हुई है, इसलिए ये जो भर्ती है अब नए आयोग से ही आएगी। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे जूनियर के लगभग 5,500 से 5,000 के पदों पर भर्तियां आनी है, तो अब ये भर्तियां नए आयोग से आएंगी, ये बात 100% कन्फर्म है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों टीजीटी पीजीटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टीजीटी पीजीटी में अधिकतर लोग उम्र सीमा को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं। टीजीटी पीजीटी में नए आयोग के मुताबिक जो नया आयोग बनने जा रहा है इसमें नए शिक्षा नीति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भर्ती होगी आयु सीमा की उसमें 60 वर्ष तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और टीजीटी में सिर्फ और सिर्फ बीएड चाहिए, टेट नहीं चाहिए। बहुत से कमेंट आते रहते हैं टेट लगेगा, टेट नहीं लगेगा। ठीक है, सिर्फ बीएड चाहिए। पीजीटी में ओनली पीजी पास होना चाहिए, पीजी पास केवल। ठीक है, बीएड की जरूरत अभी यूपी में नहीं है। बहुत से मित्र ये भी कह रहे थे जिसमें जीएस भी आएगा, दोस्तों जीएस बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चंस और जो है बहुत ज़्यादा आता है, आप लोगों के काफ़ी सारे उसमें कमेंट रहते हैं इंटरव्यू को लेकर के। दोस्तों नया शिक्षा आयोग में ये बात स्पष्ट रूप से आ चुकी है कि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए, और पीजीटी में इंटरव्यू होगा। तो इसी तरह इसी से आप इसमें तैयारी करें। इसका विज्ञापन जारी कराने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि वहाँ पर मुश्किल से 10-12 ही लोग गिने चुने रहते हैं, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा धरना प्रदर्शन का। आप लोगों से गुजारिश है कि धरना प्रदर्शन में जरूर जाएं। ठीक है, और एलटी ग्रेड की न्यूज़ को आप लोग जानते ही होंगे कि एलटी ग्रेड की जो अगली भर्ती है यानी नई भर्ती है जिसमें लगभग 3,237 पद और कुछ नए पद इसमें भी जुड़ सकते हैं, तो ये जो भर्ती है ये भी नए आयोग से आएगी। तो मोस्टली अब जो भी भर्तियां आएंगी, चाहे टीजीटी पीजीटी भर्ती ले लो, चाहे एलटी ग्रेड भर्ती ले लो, चाहे प्राइमरी भर्ती ले लो, चाहे जूनियर भर्ती ले लो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती ले लो, सारी भर्तियां अब नए आयोग से आएंगी। जितने पुराने आयोग हैं जो वर्तमान में भर्तियां चल रही हैं, इसी को किसी तरीके से संपादित कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की प्रमुख अपडेट थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।